कुंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज की इस रिपोर्ट में, इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के बारे में। सलमान खान हाल फिलहाल में कैटरीना कैफ संग स्पॉट हुए थे। कैटरीना कैफ संग वो दिल्ली में टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान बिजी नजर आ रहे हैं। दरअसल उन दोनों को प्राइवेट जेट में जाते हुए भी देखा था, एयरपोर्ट पर भी दोनों को स्पॉट किया गया था। और फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि फिर से सल्लू भाई और उनकी कह लीजिए यहाँ पर जिनको फैंस एक साथ देखना पसंद करता है, गर्लफ्रेंड माना करता था कैटरीना को सलमान खान की, तो इन दोनों को साथ में देखकर फैंस कहीं ना कहीं दीवाने हुए जा रहे हैं। और वहीं पर आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ सलमान की करोड़ों की संपत्ति को लेकर कि आखिर कितना सलमान खान के पास संपत्ति है, कितने घर है, कितने बंगले हैं, कितनी उनके पास गाड़ियां हैं, तो वहीं कितना वो कमाते हैं। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के अलावा भी आखिर सलमान खान कहां कहां से पैसा कमाते हैं, वो आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताने चाहूंगी। तो आप ये हमारा प्रोग्राम देखिए लास्ट तक। सलमान खान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड स्टार्स में से एक है। वह तकरीबन 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। वहीं पर उनकी अब संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होने जा रहा है, जो मैं आपको आज के इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में बता रही हूँ। बता दें, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम उन्होंने किया है। 2016 में सलमान 100 करोड़ की फीस लेने वाले पहले स्टार बन गए थे। इसके बाद जब उन्होंने टाइगर जिंदा है के सीक्वल को साइन किया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस 130 रुपए करोड़ हो गई। जब तक फिल्म का फाइनल पार्ट टाइगर 3 बन रही है तो सलमान को इस बार भी 100 करोड़ के से ज्यादा फीस मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि फिल्म का बजट ही 300 करोड़ रुपए है। वैसे फिल्मों के अलावा सलमान की कमाई का बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन हाउस और अन्य कई इवेंट्स इन्वेस्टमेंट के जरिए आता है। सलमान प्रॉपर्टी, वेकेशन, कारों और चैरिटी पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। कुछ समय पहले ही सलमान ने मुंबई में स्थित अपना एक अपार्टमेंट किराए पर दिया है। सलमान खुद सालों से मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के 1 BHK घर में रह रहे हैं। इसके अलावा भी उनके पास कई जगह प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा बहन अर्पिता के नाम पर सलमान ने मुंबई के पास पनवेल में एक आलीशान फार्म हाउस भी बनाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान की कुल नेटवर्क तकरीबन 2255 करोड़ रुपए के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान की पूरी कमाई के हिसाब से उनकी एक महीने की कमाई करीब 100 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 15 होस्ट करने के लिए सलमान को 350 करोड़ की फीस मिली थी। तो इस तरीके का यहाँ पर बता दें आपको सलमान खान का नेटवर्थ रहा है। वहीं उनकी शादी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। शादी, सलमान खान शादी कब करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर यहां पर उनके फैंस की जुबान पर रहता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान की शादी होने वाली थी। एक्टर की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और कार्ड्स भी छप चुके थे। सलमान एन मौके पर यह रिश्ता टूट गया था। आज हम आपको बताएंगे सलमान खान की शादी, हमने आपको नेटवर्थ के बारे में बताया, लेकिन इतना पैसा कमाने वाले सलमान के पास अभी तक बीवी नहीं है। यहाँ पर आपको बताएं संगीता बिजलानी की, जो एक टाइम पर, एक दौर पर सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उनके साथ इनकी शादी तक तय हो गई थी। शादी की डेट थी 27 मई 1994। शादी के कार्ड्स भी छप गए थे। हालांकि यह शादी एक वजह से नहीं हो सकी थी। खबरों की माने तो संगीता बिजलानी को सलमान खान पर कुछ शक था। इस शक में एक्ट्रेस ने सलमान खान पर नजर रखना शुरू किया। इस बीच संगीता को पता चला कि सलमान उन्हें धोखे में रखकर एक्ट्रेस सोबी अली से रोमांस कर रहे हैं। यह बात संगीता बिजलानी को इस कदर बुरी लगी कि सब तैयारियां होने के बावजूद उन्होंने सलमान खान के साथ होने जा रही अपनी शादी को कैंसिल कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि सलमान खान और संगीता बिजलानी आज भी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसी बीच यहाँ पर हमने आपको सलमान की नेटवर्थ के बारे में बताया। बहरहाल सलमान से शादी टूटने के बाद संगीता बिजलानी की लाइफ में इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की एंट्री हुई थी। कहते हैं इन दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1996 में इन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि शादी के 14 साल बाद 2010 में इनका तलाक हो गया था। तो इस तरीके की लाइफ रही है आपके बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के। इतना पैसा कमाने के बाद भी उनके पास उनका हमसफर नहीं है।
तो दोस्तों आपने देखा कि आपके बॉलीवुड के फेवरेट भाईजान कहां कहां से अपनी कमाइयां करते हैं, करोड़ों पैसों में खेलते हैं आपके बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। इस तरह की नेटवर्थ उनकी है, नेट इनकम उनकी है, और अभी हाल फिलहाल में वो टाइगर 3 की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का नेटवर्थ मैं आपको बता दूं तो 100 करोड़ी फिल्म कहा जा रहा है टाइगर 3 को, और टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कैटरीना और सलमान को फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी, ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।